नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक दौरे में बेहद करीबी रहे पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने उन्हीं पर अंधविश्वास से जुड़े कई आरोप लगाए हैं। रणजीत रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में साल 2016 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हरीश रावत ने दोबारा सत्ता पाने के लिए तंत्र विद्या के साथ ही जानवरों की बलि दी थी। शुरुआत में हरीश रावत ने जन सरोकार की रणनीति की, लेकिन अब वो डरे हुए नेता हैं। 2016 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वो गले पर 13-13 मालाएं पहनने लगे थे। इतना ही नहीं, रणजीत रावत ने कहा कि सत्ता पाने के लिए हरीश रावत ने जानवरों की बलि दी और तांत्रिक क्रिया के लिए वो शमशान घाट तक भी गए थे। कोरोना संक्रमण के चलते एक महामंडलेश्वर की मौत हो गई है, जिससे कई अन्य संतों के संक्रमित होने से संत समाज में काफी डर का माहौल है। इसी बीच श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी और आनंद अखाड़े ने वीरवार को पहल करते हुए अपने अखाड़ों के संतों के लिए कुंभ मेला समाप्ति करने की घोषणा कर दी। वहीं आज शाम निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि उनके अखाड़े के साधु संतों ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर यह फैसला लिया है कि वो अपने अखाड़े के मेला समाप्त कर देंगे। 17 अप्रैल को उनके साधु संतों की रवानगी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये फैसला अखाड़ा परिषद का नहीं बल्कि उनके अखाड़े का स्वयं है। बाकी अन्य कई अखाड़े भी कुंभ मेले का जल्दी समापन करने के पक्ष में हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में बने टोल प्लाजा पर देर रात एम्बुलेंस ने टोल प्लाजा कर्मचारी को उड़ा दिया। जानबूझकर ये टक्कर मारी गई है। टोल प्लाजा कर्मचारी जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देखते हुए घायल कर्मचारी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कर्मचारी को एम्बुलेंस द्वारा टक्कर मारने का ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। श्रीनगर पालिका पर लगे टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप। और जिला के श्रीनगर गढ़वाल में बूचड़खाने के टेंडर प्रक्रिया में समिति ने भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए हैं। संबंध में शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी पौड़ी को भी ज्ञापन देकर इसमें जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने नगर पालिका के कर्मचारियों पर टेंडर खोले जाने के एवज में रिश्वत की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया। पूर्व पशु बधशाला ठेकेदार और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि जिलाधिकारी पौड़ी जरूर इस प्रकरण की जाँच कराएंगे और उचित न्याय दिलाएंगे। मंगलौर के गुरुकुल नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल एक व्यक्ति नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने पिताजी को डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाया था। जैसे युवक अपनी मोटरसाइकिल अस्पताल के बाहर खड़ी करके अस्पताल के अंदर गया, कुछ ही देर बाद अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। ये पूरा मामला अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित युवक द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरी की घटना की जाँच कर रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपियाल ने बताया कि 16 से 17 अप्रैल को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि राज्य के मैदानी जनपदों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमौली, रुद्रप्रयाग आदि क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपियाल ने बताया कि मौसम में परिवर्तन होने से जंगल में आग लगने की घटनाओं में भी कमी आएगी। रुड़की क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अब रामपुर स्थित सब्जी मंडी प्रशासन भी सख्त हो गया है। मंडी में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि रुड़की क्षेत्र में लगातार कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी की चपेट में आने से स्कूल से लेकर कॉलेज और IIT रुड़की भी नहीं बच पाया है। बढ़ती महामारी को देखते हुए अब सब्जी मंडी प्रशासन ने भी सख्ती कर दी है। अब सब्जी मंडी में किसी को भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। मंडी सचिव अशोक जोशी ने लिखित में सब्जी मंडी के सभी व्यापारियों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अपने कर्मचारियों से भी कराने के आदेश दिए हैं। मंडी सचिव अशोक जोशी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती कर दी गई है। मंडी के गेट पर PRD जवानों की तैनाती की गई है, जो बिना मास्क के किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे और मंडी के बंद होने के बाद मंडी को सैनिटाइज कराने की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश की राजनीति में लगातार हमलावर तेवरों के साथ आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है। पार्टी उत्तराखंड के 70 विधानसभा में अपनी दावेदारी करते हुए चुनावी तैयारियों में है, जिसके लिए विधानसभा स्तर पर पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करते हुए कार्यकर्ताओं को पदों की जिम्मेदारी देते हुए चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इसी कड़ी में काशीपुर विधानसभा में भी सैकड़ों लोगों ने अन्य पार्टियों का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। वहीं कुछ लोगों को पदों की जिम्मेदारी देते हुए चुनावी तैयारी में जुटने को कहा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव दीपक बाली ने इस मौके पर कहा कि पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में नहीं बल्कि सीधे तौर पर भाजपा से फाइट में होगी। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। वहीं पंडित दीनदयाल अस्पताल और मुख्यमंत्री के डॉक्टर SN बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में कोरोना फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में आम जनमानस को सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर NS बिष्ट ने बताया कि कोरोनेशन अस्पताल में भी अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रोजाना कई मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन लोगों को भी खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सिम्टम्स हैं, वो सबसे पहले कोरोना की जांच कराएं, उसके बाद ही अन्य टेस्ट कराएं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सहयोग से मसूरी के तिलक लाइब्रेरी के सभागार में एपन का एक महा प्रशिक्षण कार्यालय में प्रशिक्षण दे रही ट्रेनर प्रॉन नमिता तिवारी को कार्यशाला के अंतिम दिन महिलाओं और उनके शिष्यों ने विदाई दी। इस मौके पर प्रोफेसर नमिता तिवारी को भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष पुष्पा पाड़ियार द्वारा शॉल उड़ाकर उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्रोफेसर नमिता तिवारी ने पिछले एक माह में छात्रों और महिलाओं को अपन कला की विभिन्न विधाओं के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण देकर अपन की विभिन्न कलाकृतियों को बनवाया है, उसके महत्व को समझाया है। टिहरी की कोठी में साहसी खेल अकेदमी को ITBP को दिए जाने के बाद आज CM और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर ITBP द्वारा टिहरी झील में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का संचालन किया गया। ITBP द्वारा अब साहसी खेल अकेदमी में एडवेंचर स्पोर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि इस ट्रेनिंग सेंटर से ओलंपिक के खिलाड़ी की ट्रेनिंग होगी, जिसके लिए ITBP को जो भी मदद चाहिए वो दी जाएगी और ये ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड ही नहीं देश की शान बनेगी। वहीं ITBP के अधिकारी का कहना है कि टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर बहुत पोटेंशियल है, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।